राजस्थान में एक परसेप्शन बन चुका है। अब क्या बन रहा है परसेप्शन? परसेप्शन ये है कि राजस्थान का जो युवा है वो या तो करेगा मोदी मोदी मोदी, या करेगा आई लव यू आई लव यू आई सचिन पायलट आई लव यू, ये करेगा। यानी सब कुछ बेकार है? नहीं, इस बेकार और बिना बेकार का कोई सवाल नहीं है। आपके पास घर में 10 ड्रेस है, कोई एक ड्रेस तो आप पहन के ही आओगे ना, तो बाकी 9 बेकार थोड़ी है। मतलब बेकार सरकार का जो बजट होता है उसमें कुछ ना कुछ, मेरा मतलब यही कहने का था कि बोफोर्स का परसेप्शन हुआ। लेकिन उस टाइम पर के 5 साल में जितना रिकॉर्ड तोड़ काम हुआ इस देश में, और 21वीं सदी के लिए देश को जिस तरह तैयार किया गया, उस वो सब उस परसेप्शन ने धो दिया, उस परसेप्शन ने धो दिया उसको। तो क्या लगता है कि राजस्थान में अब रिपीटेशन हो पाएगा? एक ही तरीका है, सचिन पायलट मुख्यमंत्री बने, अशोक गहलोत जी की इच्छा को साथ लेकर के, मतलब बनाए जाएं, अशोक गहलोत जी को मनाया जाए, वो माने अपनी इच्छा से स्वेच्छा से आगे आके कहें, और फिर उस टीम को वो साथ लेके पायलट जी बने चलें। और तो जो लोगों की इच्छा है कि हम तो पायलट को मुख्यमंत्री देखने के लिए वोट दिया था, वो एक टर्म उनको देखना चाहते हैं, और उसका फायदा भी है कि वो एक टर्म अगर एक युवक प्रधान मुख्यमंत्री बन जाएगा 2023 में जीत करके, तो अगली जनरेशन कांग्रेस में भी एक और जनरेशन तैयार हो जाएगी, और बीजेपी भी नई जनरेशन के पास चली। अगर ऐसा नहीं हुआ और जो तमाम जो चीज़ें माहौल जो चल रहा है, गहलोत साहब भी लगातार घोषणाएं की हैं, कई ऐलान किए हैं, अच्छे भी हैं, कई लोगों की सुविधाओं के लिए भी हैं, तो क्या इसका फ़ायदा अशोक गहलोत को मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा? देखिए साहब, ये तो परसेप्शन का मामला है। मेरा कोई परसेप्शन कुछ और हो सकता है, आपके फोटोग्राफर का परसेप्शन कुछ और हो सकता है, पर मेरा ये मानना है कि जो युवा वर्ग है 18 से 28 साल वाला, वो तो सड़क पे है, उसको तो रीट याद है, उसको तो पेपर लीक याद है, उसको बेरोजगारी याद है, क्राइम जो बढ़ रहा है वो याद है, घर जो बना रहा है उसको बजरी का बेतहाशा बढ़ी हुई कीमत याद है, और जो जो कुछ अखबारों में जिस तरह की चीज़ें छप रही हैं वो सब बोलना अच्छा नहीं है, उससे भी तो परसेप्शन बिगड़ता भी तो है। और वो युवा को इससे कोई मतलब नहीं है कि उसके घर पे 700 रुपये या 1000 पेंशन आ रही है, वो तो इतना होशियार हो गया है कि अपनी पेंशन लेने वाली दादी को वोट दिलाने जाएगा ना, तो अपनी इच्छा वाली जगह वोट दिलाएगा। तो इस बार भी ऐसे ही कुछ होने वाला है। तो यूथ आपको, आप यूथ को स्विच ओवर ही नहीं करना चाहते हो।